भाई पहुंच तो गए मैं यहाँ पे मीनार पे, काफी ऊंची है यार, पर थक गए मतलब काफी ऊंची है, सीढ़ियाँ देख रहे हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद से, वो भी इसलिए क्योंकि आज है शबरात। मैंने सोचा यार क्योंकि ना शबरात पे घूमा जाए थोड़ा सा, इतनी दिल्ली की जामा मस्जिद में घूमा जाए। वैसे तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ लेकिन आज कुछ स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शबरात में बहुत माशाल्लाह से रौनक बहुत रहती है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मीनार पर चढ़ते हैं यार, मीनार गए नहीं मैं, सीढ़ियाँ चेक करता हूँ। कल मैंने टिकट ले तो लिया है और टिकट है भाई 50 रुपये का, तो देखने कितनी सीढ़ियाँ इसमें, 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियाँ गिनते चलेंगे यार, क्योंकि मीनार जो है काफ़ी ज़्यादा ऊँची है। देखते हैं, धूप भी हो रही काफ़ी, चलते हैं। पहुँच तो गए हैं लेकिन यार भाई सॉरी यार काफ़ी जगह नहीं बिल्कुल भी, कोशिश करूँगा मैं दिखाने की। ओ भाई देख रहे हो दूर तक दिख रहा है यार, और यहाँ से आपको सिग्नेचर ब्रिज दिखा दूँ, देख रहे हो ये रहा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, ये रिमिनार और ये रहा सिग्नेचर ब्रिज। और भाई ये देखो ये रहा दिल्ली का लाल किला, काफ़ी दूर से दिख रहा है यार, 500 मीटर की दूरी पर, लेकिन बीच में देख रहे हो गैप कितना है, मतलब काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। भाई ये देखो चारों तरफ जाली लगा रही है सपोर्ट के लिए, चारों तरफ जाली मिलेगी आपको इसमें। ओ भाई मज़ा आ गया, चारों तरफ किसी का कुछ पता नहीं ना, कौन बेवकूफ़ आ गया और पुलिस भी हरकत करे, किसी को अपनी जान पे यारी ना हो, इसीलिए जारी ला रही है। सही है, सेफ्टी के लिए ला रही है भाई, सही है। क्राउड देखो भाई कितना क्राउड है यार सच में, माशाल्लाह से यहाँ पे हमेशा वैसे क्राउड रहता ही है, रौनक रहती है यार, अलग ही फीलिंग है। पूरी दिल्ली देख लो भाई, देख रहो वो रहा लाल किला भाई साहब, और ये शाम होते होते भाई ये अभी जो खाली एरिया दिख रहा है ना बिल्कुल जामा मस्जिद का, ये सारा भर जाना है भाई, देख रहो ये वजू खाना ऊँचाई से देख लो। ओ भाई ये गुम्बद माशाल्लाह, ये वो दूसरी मीनार है लेकिन वो बंद कर रखी है, क्यों बंद कर रखी है खैर इसका तो मुझे पता नहीं है, शायद वहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे भी देखो काम चल रहा है पिलर वगैरह के कड़े में है ना, देख लो। तो चले चलते हैं नीचे, है मैं मीनार के अंदर ही हूँ, मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लिया जाए यार, देख रहे हो यहाँ पे हम अपना बैठ सकते हैं अपना आराम से, थक गया बिल्कुल ही, काफ़ी ऊँचाई पे है मतलब, चलते हैं आराम आराम से नीचे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपना, मेरे पास टाइम ही टाइम है और आज छुट्टी भी है। मैंने सोचा ब्लॉग बना दूँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना, ताकि ये ब्लॉग भी थक गए। इधर देखो भाई इधर लोग है ना, कितनी सीढ़ियाँ हैं, 130-140 सीढ़ियाँ चल रही हैं भाई। यहाँ पे आने का मतलब एक और था, यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखनी थी, एक जगह ऐसी यहाँ पे वजू करते हैं, वहाँ पे एक ऐसी जगह बनी हुई है, एक सहाबी ने हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था कि आप यहाँ पे वजू कर रहे हैं, इसीलिए इस जगह को प्राइवेट कर दिया गया है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोग वजू कर रहे हैं, ये लोग जगह वजू के लिए, लेकिन वो जो आप देख रहे हो ये स्टील से कवर कर रखा जगह को, यही वो जगह है जो सहाबी ने हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था कि यहाँ पे वजू करते हुए, तब से ही इस जगह को बनाया गया है। देख रहे हो ये जगह सन 1180 में बनाई गई है, ये देखो अगर आप जामा मस्जिद आते हैं तो आपको एक स्पेशल जगह ज़रूर देखनी चाहिए जो कि है एक धूप घड़ी, कमाल की टेक्नोलॉजी यार, जो कि सन 1831 में बनाई गई थी, फिर एक धूप घड़ी है जिसके ज़रिए से पता लगाया जाता है कि नमाज का टाइम, देखो ये वो धूप घड़ी है, कमाल की टेक्नोलॉजी है यार, मतलब
देखो इस टाइम धूप हो रही है, ये देखो सेंटर में इसमें कोई ना कोई स्विंग वगैरह होगी जिसकी छाँव से पता लगाया जाता होगा कि टाइम एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसी अंदाजे से फिर नमाज़ पढ़ी जाती होगी। सन 1831 में ये बनाई गई थी, मतलब कमाल की टेक्नोलॉजी, साइंस नहीं थी उस टाइम, फिर भी देखो कमाल की टेक्नोलॉजी थी यार। मतलब कैसे बड़े बड़े पत्थर ऐसे रखे गए थे। 1656 में बनाई गई थी, कितनी मेहनत से बनाई गई हुई यार, सोचने वाली बात है। अगर आप वहाँ से यहाँ की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको एक जगह और मिलेगी, इधर ही ये जाली से जो कवर कर रखी जगह, यहाँ पे हमारे आका हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम शरीफ भी है, जो कि सऊदी अरबिया से लाया था गया था। अभी तो फ़िलहाल जगह बंद कर रखी है, खुलता है लेकिन किस दिन खुलता है ये अभी पता नहीं है, जगह को बंद कर रखा है। ये सबसे पहले तो जामा मस्जिद से एंट्री करते वक्त आपको गेट दिख जाए भाई, बड़ा गेट है यार देख लो, इसके बाद फिर एंट्री होती है, ये गेट है एंट्री। और यहाँ पे नाम है वैसे ही ना, तो पहले इमाम थे भाई हज़रत सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी शाही इमाम, और अब हैं 14वें, मतलब 14 पीढ़ी गुजर चुकी, काफ़ी टाइम बीत चुका है। ये जामा मस्जिद के बाहर का व्यू है, और ये रहा गेट। सीढ़ियों के बाद आप जो क्राउड दिख रहा है,